सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इस चैनल ने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और ये सिंपल शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, मूवी रिव्यूज वाली शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं ये। तो आज ये देखिए ये कितने पर मंथ कमाते हैं और ये कितने पर ईयर कमाते हैं और ये देखिए ये कितने पर डे कमाते हैं ये देखें। और आज की इस वीडियो को मैंने 6 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप लाइक एआई मूवी रिव्यू शॉर्ट्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एआई की मदद से, वो भी प्रीमियम। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। स्टेप नंबर 1 में हम आ जाते हैं गूगल बार पर। यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए। फिर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे राइट गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पर लिख देंगे गिव मी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू चैनल नेम आइडियाज। चैनल नेम आइडियाज फिर इसे सेंड कर देंगे। जैसे ही हम इसे सेंड करेंगे ये थोड़ा टाइम लेंगे जनरेट करने में। इन्होंने हमें ये मूवी रिव्यूज लाइक चैनल नेम आइडियाज दे दिए हैं। मुझे ये अच्छा लगा तो ये मैंने कॉपी कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसे मैंने कॉपी कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे राइट यूट्यूब चैनल नेम, राइट यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन इन डिटेल्ड। और यहाँ पर लिखेंगे बेस्ड ऑन मूवी रिव्यू वीडियोस हियर्स चैनल नेम। और यहाँ पर चैनल नेम पेस्ट कर देंगे, हियर्स चैनल नेम पेस्ट कर देंगे चैनल नेम। उसके बाद सेंड कर देंगे इसे। जैसे हम सेंड करेंगे यहाँ पर थोड़ा टाइम लेंगे ये जनरेट करने में। ओके, ये देखिए ये जनरेट हो गया है। ये आप लाइक जैसे जनरेट हो जाए ऐसे आप कॉपी कर दें और नोट पैड में पेस्ट कर दें। उसके बाद जैसे ये जनरेट कर दें उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि होगा लाइक सिमिलर ऐसा ही होगा, तो वो है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, क्रिएट लोगो एंड बैनर फॉर यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल के लिए लोगो और बैनर क्रिएट करना है। हम आ जाते हैं कैनवा पर, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लोगो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो की ब्लैंक टेम्पलेट पर चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड के लिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम, चैनल नेम लिख देंगे, यहाँ पर सेपरेटली लिखेंगे हम सेपरेट करके, ये देखिए इसे लिख देना है अंडर द स्पॉटलाइट। ये इतना लाइक अच्छा नहीं लग रहा तो इसे हटा देंगे। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं द अंडर स्पॉटलाइट, ये भी इतना अच्छा नहीं लग रहा तो ये सही है, अंडर द स्पॉटलाइट ऐसा सही लग रहा है। तो इससे थोड़ा लाइक ये इफेक्ट लगाएंगे और यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड इफेक्ट लगा देंगे। ओके, इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद इसे सही करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें, इसे हम सेंटर पर करेंगे, उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं इसे। अभी डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हम लोगो जनरेट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कैनवा पर अगेन। यहाँ पर यूट्यूब बैनर लिख देंगे, यूट्यूब बैनर जनरेट करने के लिए हम ब्लैंक टेम्पलेट पर आ जाते हैं। जैसा हमारे लोगो का बैकग्राउंड था यहाँ पर भी वही बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं अंडर द स्पॉटलाइट, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं और इनकी लाइक बीच में थोड़ा स्पेस देना है और यहाँ पर ये इफेक्ट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में हमें दाल लिख कर इसे वो वाला इफेक्ट लगा कर देना है, जनरेट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे ये वाला लोगो, ये देखिए ये लोगो है और यहाँ पर बैनर है, ये वाला ये बैनर है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये वाला है, ये देखिए ये बैनर हमने जनरेट किया था। तो उसके बाद इसे ओके कर दें, पब्लिश कर दें। उसके बाद यहाँ पर इसे लाइक नेम लिखेंगे, चैनल नेम अंडर द स्पॉटलाइट। तो यहाँ पर ये देखिए डॉट ऑफिशियल लिखते हैं, ये नहीं है, डॉट ऑफिशियल भी है किसी ने रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं UTS, ये सही है। उसके बाद ये लिखने के बाद हम कॉपी कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं बिकॉज डिस्क्रिप्शन भी वो लाइक बहुत लॉन्ग है, चार्ज वो गूगल कह रहे हैं, यूट्यूब कह रहे हैं बहुत लॉन्ग है डिस्क्रिप्शन, तो इसे हमें थोड़ा कट करना पड़ेगा, तो ये कट कर देते हैं। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे, ये देखिए हो गया है पूरा, तो इसे पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये, देखें लोगो और बैनर, थोड़ी देर बाद लोगों का नेम वगैरह भी आ जाएगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। तो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। हम लिखते हैं फेमस मूवी, जो कि लाइक आजकल कौन सी फेमस मूवी हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये कुछ फेमस मूवी हैं आजकल, ये देखें। उसके बाद मैं यहाँ पर ये वाली पर जाऊँगी, ये द लिटिल मरमेड, मैं इसे कॉपी कर दूँगी।
तो इसे मैं कॉपी कर देती हूँ, बिकॉज बारबी मूवी कैसे लिखनी है वो मैंने बताया हुआ है अपने पिछली वीडियो में। मूवी रिव्यू नहीं, एक्सप्लेनेशन वाला बताया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बारबी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ये वाला ही था लिटिल मरमेड लिख रही हूँ। यहाँ पर लिखेंगे राइट मूवी रिव्यू ऑन दिस मूवी, तो यहाँ पर पेस्ट कर देना है मूवी का नेम, उसके बाद सेंड कर देना है इसे। तो थोड़ा टाइम लेंगे, देखिए कितना अट्रैक्टिव एंड अमेजिंग इन्होंने लिखा ये, कितना सही है। तो इसे हमें कॉपी कर देना है, इसे हम कॉपी कर देंगे बिल्कुल लाइक जैसे रिव्यू लिखते हैं वैसे ही लिखा है, इसे हम कॉपी कर देंगे या एडजस्ट वो कर लेंगे। यहाँ पर हम AI ऐप में जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे, वैसे खुद ही एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे एडजस्ट करते रहे, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जैसे हमने ये लिख लिया, हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है स्टेप नंबर फोर जनरेट वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम आ जाते हैं 11 लैब्स पर, ये है 11 लैब्स। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये देखें हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे कौन सी वॉइस है, तो ये जनरेट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ही लेते हैं जनरेट होने में, तब तक हम सेकेंड पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे वो जनरेट हो जाए, इसे डाउनलोड करके सेकंड पैराग्राफ पेस्ट कर देना है और यहाँ पर प्ले पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ तक ही हुआ है, तो उसके बाद इसे कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ कॉपी करते हैं, तब तक वो हो रहा है जब तक, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये हो जाए दूसरा पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर से प्ले पर क्लिक करके जनरेट कर लेते हैं, फिर थर्ड पैराग्राफ कॉपी करते हैं, ये सही है, जब तक वो हो रहा है इसे कॉपी कर लेते हैं। ऐसे ही करते करते हमने सारे स्टेप का वॉइस ओवर जनरेट कर लेना है। ये देखें ये भी हो गया, ये बस टाइम थोड़ा सा टाइम देता है, ये थोड़ा सा टाइम देते हैं जनरेट करने में। तो हो गया, ये भी हमारा हो गया सब कुछ। तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 पर चले जाते हैं, क्रिएट यूट्यूब वीडियो विद AI। तो उसके बाद हम आ जाते हैं वेब डॉट वीडियो पर, क्रिएट वीडियो कर देते हैं, फॉर्म टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्रोबेबली फ्री पर करेंगे, यहाँ पर रेडियस माई टैक्स कर देंगे प्रोबेबली फ्री, और यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे टैक्स ऑन सीन, सो नेक्स्ट कर देंगे। इसके यहाँ पर आपको वर्टिकल चूज करना पड़ेगा बिकॉज हमें शॉर्ट बनाने, तो क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर दें। जैसे ये हो जाए, जैसे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको लाइक जनरेट करके दे देंगे वीडियो। मैं देखें ये इन्होंने जनरेट किया है ये वीडियो, मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देती हूँ ये इन्होंने कैसी वीडियो जनरेट की है। ओके, पर लाइक मुझे इतनी सही नहीं लगी, तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एडजस्ट करते हैं। तो मुझे ये लाइक ये पिक्चर्स फुल चाहिए स्क्रीन पर, ये देखिए मैंने ये फुल कर दिया है मूवी के सीन्स। ओके, ऐसे भी फुल कर देंगे, ऐसे भी मैं फुल कर देती हूँ। ओके, उसके बाद इसे भी फुल कर देते हैं, ये एक्टर थी वहाँ पर मरमेड फिल्म में, तो ये उसकी पिक है। यहाँ पर कुछ वैसे ही विजुअल्स हैं मरमेड के, तो यहाँ पर ये सारा हो गया एडजस्ट। जैसे ये एडजस्ट हो जाए, हम एक बार देख लेते हैं ये सारा सही है। ओके, ये सारा सही है, हमें सही लगा। तो उसके बाद पब्लिश पर क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए वीडियो को, उसके बाद ये सिलेक्ट करके रेंडर विथ वाटर मार्क कर देंगे। तो ये रेंडर होने में थोड़ा टाइम लेंगे, जस्ट 5 to 10 मिनट लेंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ये रेंडर हो रहे हैं, बस हो गया रेंडर, बहुत जल्दी हो जाते हैं ये देखिए हो गया है रेंडर, वीडियो रेंडर हो गई है। तो जैसे ही रेंडर हो जाए, ये देखें जैसे रेंडर हो जाए, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप नंबर 6 पर, एडिट यूट्यूब वीडियो एंड प्रीव्यू। तो एडिट करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो एडिटर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे एडिट कर देंगे, इसे यहाँ पर करके ओके ये सही है। 1:1 पर चले जाते हैं शॉर्ट पर, ये देखें इसे थोड़ा एडिट कर देंगे, इसे लाइक जो भी वॉइस ओवर में खाली पार्ट्स हैं जहाँ पर कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं है उसे कट कर देंगे, और इन्हें सबको एक साथ जोड़ लेंगे। ये देखें इन्हें एक साथ जोड़ लेते हैं, बाकी फालतू पार्ट्स को कट करके ओके, और इसे फिर हम वीडियो की तरह लाइक जैसे वीडियो की तरह एडिट करेंगे जैसे वीडियो है। ये देखें आप जैसे जैसे वीडियो वैसे वैसे हम वॉइस ओवर लगाते जाएंगे,
ये सही है, ओके। यहाँ पर हमें कट कर देना है, देखिए ये ऐड कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन लगा कर हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी वीडियो है, तो हम इसे अब एक्सपोर्ट कर देंगे। A Little Mermaid 2023 is a live-action remake of the classic 1989 Disney animated film of the same name. It tells the story of Ariel, a mermaid princess who dreams of living on land. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मजेदार वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।